हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग 1 से लेकर 3 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हम लोगों ने जून मंथ कंप्लीट कर लिया था, उसकी पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा दी गई है। जुलाई आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और इसमें क्या बोला गया है, व्हिच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रीज फर्स्ट डिजिटल पेमेंट्स वाया व्हाट्सएप एंड यूपीआई। यानी कि हाल ही में किस जीवन बीमा कंपनी ने व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से उद्योग का पहला डिजिटल भुगतान पेश किया है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस जो है वो आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉलिसी होल्डर्स को उनके प्रीमियम अब व्हाट्सएप और यूपीआई के थ्रू देने की सुविधा प्रदान करने वाला इंडस्ट्री की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन गई है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है ना, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने जो भी उसके पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी जो प्रीमियम जाती है उसको अब व्हाट्सएप और यूपीआई के थ्रू एक्सेप्ट करेगा और ऐसी सुविधा देने वाला ये इंडस्ट्री का पहला डिजिटल पेमेंट, इंडस्ट्री का पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन गई। ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। और इसके लिए टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने व्हाट्सएप और पेयू में नाम लिख रहा हूँ, पेयू के साथ में क्या किया हुआ है, कोलेबोरेशन किया हुआ है। ठीक है ना, टाटा एआई ने प्रीमियम कलेक्शन के लिए व्हाट्सएप और यूपीआई की सुविधा प्रदान की, इसके साथ साथ में मल्टीपल डिजिटल चैनल भी ऑफर किए हैं जो कि 5 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। वो पांचों लैंग्वेज कौन सी हैं, हिंदी है उसमें, बंगाली है, गुजराती है, इंग्लिश है और तमिल है, ये 5 लैंग्वेज हैं। तो ऑप्शन नंबर बी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर होगा और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेम द इनिशिएटिव व्हिच इज लेड बाई बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS एंड द बैंक ऑफ इंग्लैंड टू डेवलप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि API प्रोटोटाइप फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज CBDC। उस पहल का नाम बताइए जिसका नेतृत्व बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS और बैंक ऑफ इंग्लैंड BOE ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं यानी कि CBDC के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए किया है। ठीक है, और ऑप्शंस इसके में आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इसमें उस इनिशिएटिव का नाम बताना है। तो इनिशिएटिव का जो नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट रोजालिंड, ये इसका मतलब इनिशिएटिव का नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट रोजालिंड है ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है BIS और बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है, और इस इनिशिएटिव के तहत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का API प्रोटोटाइप डेवलप किया जाएगा, API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, ये डेवलप किया जा रहा है। और अभी हाल ही में डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर जिसका कि क्या नाम है, UST, ये कंपनी का नाम है UST। ठीक है ना, ये कंपनी जो है वो कैलिफोर्निया USA बेस्ड ये कंपनी है। तो अभी और ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी जो है डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो अभी हाल ही में डिजिटल सॉल्यूशन कैलिफोर्निया USA बेस्ड डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी UST ने इस प्रोजेक्ट को यानी कि प्रोजेक्ट रोजालिंड को ज्वाइन किया। ठीक है, ये चीज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बात हुई BIS की यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जो ये BIS है बेसिकली ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि सेंट्रल बैंक्स के बैंक के रूप में काम करता है, जो कि विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक्स के बैंक के रूप में काम करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको PDF में मैं दे दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना। चीज़ें सारी हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं जिससे कि कहीं पर कोई चीज़ें छूट ना जाएँ। BIS की यहाँ पर बात हुई है, तो BIS यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इसका हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। UST कंपनी के बारे में मैंने बताया जो कि डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है USA कैलिफोर्निया बेस्ड, अभी हाल ही में इसने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इन कोलेबोरेशन विद नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड द फैसिलिटी ऑफ लिंकिंग इट्स रुपे क्रेडिट कार्ड टू UPI एप्स। यानी कि हिंदी में इसका क्या मतलब होगा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से
किस बैंक ने अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई ऐप से लिंक करने की सुविधा शुरू की है, ये इसमें पूछा गया है अभी हाल ही में। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी हाल ही में एनपीसीआई के साथ कोलैबोरेशन में, ठीक है, अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई ऐप्स पर लिंक करने की फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है ना। बात यहाँ पर रुपे क्रेडिट कार्ड की हो रही, डेबिट कार्ड की नहीं, चीज़ों को समझना, डिफरेंस को समझना। और इस लिंकेज की सुविधा के बाद में कस्टमर्स की जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता होती है वो नहीं रहेगी, ठीक है ना। इस लिंकेज के बाद में जैसे हम लोग डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती ना, हम लोग डेबिट कार्ड अपने यूपीआई ऐप से लिंकेज कर लेते हैं तो पेमेंट वगैरह हम स्कैन करके बार कोड वगैरह से यूपीआई के थ्रू कर देते हैं, तो क्रेडिट कार्ड यानी, और क्रेडिट कार्ड में भी रुपए, वीज़ा वगैरह नहीं, ध्यान रखना रुपए, ठीक है ना। तो इस रुपए क्रेडिट कार्ड को भी अगर यूपीआई ऐप से लिंकेज हम लोग कर देंगे तो उसके बाद में फिर हमको फिजिकल क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं रहेगी। कस्टमर अब अपनी चॉइस की यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि फ़ोनपे वगैरह हो गया, भीम ऐप हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, मोबीक्विक हो गया, इस पर अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकेंगे और पेमेंट कर सकेंगे विभिन्न विभिन्न तरीके से जो कि यूपीआई के द्वारा दिया जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन में जितने भी बैंकें दी गई हैं, इनका सबका हेडक्वार्टर, इनकी सबकी टैगलाइन, इनके सबके MD एंड CEO, इनका सबका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल करना। कई बार मैं बताया हूँ और फिर मैं जब बताता हूँ तो मेरा पूछने का भी राइट बनता है, तो मैं कुछ पूछूंगा भी, तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलना। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू इंक्रीज डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बूस्ट लोन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद श्रीराम फाइनेंस। डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ाने और ऋण वितरण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने श्रीराम फाइनेंस के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा पेटीएम, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पेटीएम जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इस पार्टनरशिप के बाद में श्रीराम फाइनेंस के जो भी प्रोडक्ट होंगे वो पेटीएम प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी अवेलेबल कराई जाएंगी, लोन डिस्ट्रीब्यूशन को भी बूस्ट किया जाएगा, इसके लिए इसने श्रीराम फाइनेंस ने अभी हाल ही में पेटीएम के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ था। इन ऑर्डर टू सेटअप द फर्स्ट लॉन्च पैड इन UK फॉर इंडियन टेक स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद द मिडास एंड मैग। मिडास एंड मैग यानी कि मैनचेस्टर इनवर्ड इन्वेस्टमेंट एजेंसी, मैग मतलब मैनचेस्टर एयरपोर्ट ग्रुप, ठीक है ना। भारतीय तकनीकी लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए UK में पहला लॉन्च पैड स्थापित करने के लिए किस संगठन ने हाल ही में मिडास और मैग के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा NASSCOM, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ऑप्शन नंबर ए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग NASSCOM भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग NASSCOM भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। UK में पहला NASSCOM लॉन्च पैड लॉन्च करने के लिए ये MOU साइन किया गया है, किसके किसके बीच में साइन किया गया है ये भी आपको बताया गया, ठीक है ना। ये भी आप लोग याद रखना, मिडास और मैग याद रखना, ठीक है, और NASSCOM के तो साथ में किया ही गया है, तो इन तीनों का आप लोग नाम याद रखना। और NASSCOM की यहाँ पर बात हो रही, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बेसिकली जो ये NASSCOM है, ये इंडिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी नहीं है। NASSCOM की यहाँ पर बात हुई है, इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश, नोएडा UP में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो देवजानी घोष, मैं लिख दे रहा हूँ, किसकी बात हो रही है, देवजानी घोष, ये बात हो रही है NASSCOM की, तो देवजानी घोष हैं वो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसकी क्वेश्चन फ्रेमिंग मुझे करनी थी और मुझे सही तरीके से समझ में आया नहीं कि इसकी क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे की जाए, तो मैंने पूरा थ्योरेटिकल इसको बना दिया। यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ें आपको मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी में सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी और ये कंटेंट PDF में एज इट इज़ आपको मिलेगा। एक बार मैं स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करके सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये कंटेंट एज इट इज़ आपको PDF में भी मिलेगा, ठीक है।
तो जो भी यहाँ कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको मैं हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में, आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका एमसीक्यू फ्रेम करने में मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इसका मैं एमसीक्यू फ्रेम करूँ, ठीक है ना। सेम आरबीआई के सर्कुलर के तरीके से हो गया ना, जहाँ पर लगता है कि आरबीआई के सर्कुलर में जिसका एमसीक्यू फ्रेम हो जाता है वो फ्रेम कर देता हूँ, नहीं तो मैं पीडीएफ में डाल देता हूँ, आप लोगों से बोलता हूँ कि पढ़ लेना। तो उसी तरीके से मुझे नहीं समझ में आया कि इसका एमसीक्यू मैं कैसे फ्रेम करूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसको पूरा का पूरा थ्योरी तरीके से हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्वेश्चन 6 का नाम भी दे दिया है, इंपॉर्टेंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एंड टैक्स कलेक्टेड कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है ना। यानी कि बात हो रही है यहाँ पर एलआरएस की और बात हो रही है टीसीएस की। एलआरएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा एलआरएस और टीसीएस में कुछ चेंजेस किए गए, उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एमसीक्यू फ्रेम नहीं हो पा रहा था मैंने बताया, इसलिए थ्योरी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलेटेड डाटा है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट जो दिए गए हैं ये बेसिकली इसके सिनॉप्सिस हैं। थोड़ा सा एक मोटा मोटा ओवरव्यू है इसमें लिखा गया है कि क्या हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा गया है इसमें, नो चेंजेज इन रेट ऑफ टीसीएस फॉर ऑल पर्पजेज अंडर एलआरएस एंड फॉर ओवरसीज ट्रेवल टूर पैकेजेज रिगार्डलेस ऑफ मोड ऑफ पेमेंट फॉर अमाउंट्स अप टू ₹7 लाख पर इंडिविजुअल पर एनम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है इसमें, गवर्नमेंट गिव्स मोर टाइम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज टीसीएस रेट्स एंड फॉर इंक्लूजन ऑफ क्रेडिट कार्ड पेमेंट इन एलआरएस, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है, इंक्रीज्ड टीसीएस रेट्स टू अप्लाई फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023, ठीक ना। तो ये बेसिकली सिनॉप्सिस है, यही इसी 3 पॉइंट को हम लोग यहाँ पर काफ़ी डीप पे आसान बोलचाल की भाषा में हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है टीसीएस, यहाँ पर एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वाला टीसीएस नहीं है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है टीसीएस, तो टीसीएस क्या है इसको भी हम लोग जानते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि टीसीएस क्या है, ठीक ना। एक एक करके हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे। तो टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये डेफिनेशन वगैरह जो लिखी गई है इसको आप लोग पीडीएफ से पढ़ना, ये इतना मैं अंग्रेजी में ये राम कहानी पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो कुछ भी यहाँ पर लिखा गया है उसको हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाने की कोशिश मैं करूँगा, ठीक है ना। सिनॉप्सिस तीनों आपको समझा दिया गया, सिनॉप्सिस जो लिखा हुआ था उसको समझा दिया गया। सिनॉप्सिस पहला क्या था, उसमें था कि एलआरएस के तहत सभी उद्देश्यों के लिए और ₹7 लाख पर इंडिविजुअल पर एनम को विदेश यात्रा टूर पैकेज के लिए टीसीएस रेट में कोई चेंज नहीं किया गया था, पहला सिनॉप्सिस था। दूसरा जो आपको समझाया था, रिवाइज्ड टीसीएस रेट के इंप्लीमेंटेशन और एलआरएस में क्रेडिट कार्ड भुगतान को शामिल करने के लिए सरकार और अधिक समय देने के लिए तैयार है। तीसरा सिनॉप्सिस जो आपको समझाया था, 1 अक्टूबर 2023 से इंक्रीज्ड टीसीएस रेट अप्लाई होंगे, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है अभी आपको, मैं दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। ये देखो जो रेड से तीनों के तीनों ये सिनॉप्सिस दिए गए हैं, इसी तीनों को मैंने आपको समझाया अभी, ये जो तीनों के तीनों सिनॉप्सिस दिए गए हैं इसको मैंने आपको बताया और इसी के बारे में काफ़ी डीप में हम लोग पढ़ेंगे। फिर से सुनो, जो पहला सिनॉप्सिस है ये क्या बोल रहा है, पहले सिनॉप्सिस में देखो ये क्या बोला गया है। इसमें ये बोला गया है कि नो चेंज इन रेट ऑफ टीसीएस फॉर, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, एलआरएस के तहत सभी उद्देश्यों के लिए और ₹7 लाख पर इंडिविजुअल पर एनम, ये चीज़ ध्यान रखना, ₹7 लाख पर इंडिविजुअल पर एनम, ये लिमिट याद रखना, पर इंडिविजुअल की बात हुई है, पर एनम की बात हुई है, ठीक है ना। एलआरएस के तहत में सभी उद्देश्यों के लिए और ₹7 लाख पर इंडिविजुअल पर एनम की विदेश यात्रा टूर पैकेज के लिए टीसीएस रेट में कोई चेंज नहीं किया गया, पहला सिनॉप्सिस का ये पॉइंट रहा। गवर्नमेंट गिव्स मोर टाइम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड टीसीएस रेट्स एंड फॉर इंक्लूजन ऑफ क्रेडिट कार्ड पेमेंट, यानी कि रिवाइज्ड जो टीसीएस रेट है उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए सरकार और टाइम देगी, इसके साथ साथ एलआरएस में क्रेडिट कार्ड के भुगतान को शामिल करने के लिए भी सरकार और टाइम देने के लिए तैयार हो गई है। तीसरा पॉइंट इसमें था, इंक्रीज्ड टीसीएस रेट टू अप्लाई फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023, ये डेट याद रखना, 1 अक्टूबर 2023, ये डेट आप लोग याद रखना, 1 अक्टूबर 2023 से 1 अक्टूबर 2023 से इंक्रीज्ड टीसीएस रेट्स जो हैं वो अप्लाई होंगे। इतनी चीज़ें हम लोगों ने समझा। अब हम लोगों को जो देखना है, जो समझना है, अब ये समझना है कि टीसीएस में जो टीसीएस है बेसिकली होता क्या है। हम लोग एक एक करके जानते हैं कि टीसीएस क्या होता है, ठीक है ना। टीसीएस के बाद में हम लोग लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, इसकी लिमिट वगैरह क्या होती है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब करके एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग समझेंगे और ये सब कुछ पीडीएफ में आपको मिलेगा, सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिलेंगी, ठीक है ना।
तो TCS क्या होता है, पहले मैं एक बार बोल देता हूँ, डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको आम बोलचाल की भाषा में समझाता हूँ। TCS का फुल फॉर्म टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स इज एन एडिशनल अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बाई ए सेलर ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स फ्रॉम द बायर एट द टाइम ऑफ सेल ओवर एंड अबव द सेल अमाउंट एंड इज रिमिटेड टू द गवर्नमेंट अमाउंट। सच पर्सन्स मस्ट हैव द टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर टू बी एबल टू कलेक्ट TCS। द गुड्स आर स्पेसिफाइड अंडर द सेक्शन 206C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें क्या बोला गया है, बेसिकली यहाँ पर TCS की बात हो रही है। एक होता है TCS, एक होता है TDS। आप लोगों ने सुना होगा कि बोलते हैं ना कि TDS काट के पेमेंट करते हो या TDS वगैरह होता है। तो ये TCS है और TDS है, ये दो टाइप के होते हैं और यहाँ पर हम लोग TCS के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। TCS और TDS बेसिकली दो टाइप के टैक्स कलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डीप पे दोनों के नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम लोग TCS के बारे में पढ़ेंगे। एक आइडिया लेते हैं कि ये जो TCS और TDS होते हैं, ये सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर होते हैं सरकार के द्वारा लगाए गए। अब बात करते हैं TCS की, यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज। जो डेफिनेशन मैंने पढ़ी, जो सारी चीज़ें अभी आपको बताई गई, जो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, उसको समझो। तो जो ये TCS होता है, ये एक एडिशनल अमाउंट होता है जो कि स्पेसिफाइड गुड्स की सेल के दौरान सेलर द्वारा बायर से एज ए टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जाता है। सेल अमाउंट के ऊपर ये कलेक्ट किया जाता है, जितनी भी सेल वैल्यू होगी उस पर ये कलेक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट के खाते में इसे भेज दिया जाता है। TCS कलेक्ट करने के लिए व्यक्ति के पास में टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर होना चाहिए। यहाँ पर ये लिखा गया है टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है ना। TCS कलेक्ट करने के लिए व्यक्ति के पास में टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर बात हुई थी स्पेसिफाइड गुड्स के भी बारे में बताया गया था, सब पे तो नहीं होगा, स्पेसिफाइड गुड्स पे ही होगा। तो जो ये स्पेसिफाइड गुड्स की बात की गई है, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 206, सेक्शन 206C के मतलब सेक्शन 206C में ये मेंशन किया गया है स्पेसिफाइड गुड्स के बारे में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के, ठीक। तो बस इतना ही जाने के, मोटा मोटा ओवरव्यू लेंगे जिससे कि आगे की चीज़ें समझ में आए, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब बात करेंगे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में। हम में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, ठीक है। पिछले कई वीडियोज़ में कई बार मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। जो पेड यूजर्स हैं उनको भी पता होगा, फ्री में भी कई बार ये चीज़ें आपको बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनको एक मोटा मोटा ओवरव्यू देने के लिए मैं LRS भी आप लोगों को समझा रहा हूँ। फुल फॉर्म आप लोग इसका जानते हैं, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिखा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस, ये LRS होगा, ठीक है ना। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम बेसिकली ये क्या होती है कि फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय द RBI इन 2004 विद लिमिट ऑफ USD 25, ठीक ना। एट प्रेजेंट अंडर द LRS ए रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन रेमिट अप टू USD 2.5 लाख पर फिनेंशियल ईयर फॉर परमिसिबल ट्रांजेक्शंस। यानी कि बेसिकली RBI के द्वारा 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 25,000 USD की लिमिट के साथ में शुरुआत की गई थी इसकी। RBI के द्वारा 2004 में LRS को इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय इस पर लिमिट जो थी 25,000 USD की थी, ठीक है ना। और अभी वर्तमान में इसकी लिमिट जो है वो 25,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख USD कर दी गई है पर फिनेंशियल ईयर फॉर परमिसिबल ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। LRS लिमिट को समय समय पर रिवाइज किया गया था, कब कब कितना कितना रिवाइज किया गया था ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी जो है 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख USD है, ये पढ़ना है, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और आसान भाषा में और बोलचाल की भाषा में समझें तो LRS के तहत में इंडिया से बाहर पैसे भेजे जाते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इंडिया से बाहर पैसे भेजे जाते हैं LRS के तहत में। क्या मेथड होता है, क्या तरीके होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं जानेंगे, कई बार मैंने पढ़ाया था। मैंने बोला कि बस एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। ये लिमिट याद रख लेना, 25,000 तो इनिशियल था, अभी 2.5 लाख USD की है, ठीक है। इतना हम लोग जानेंगे और ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे। और वर्तमान में जो LRS की लिमिट है वो 2.5 लाख USD की है, ये आप लोग जानते हैं। अब हम लोग वापस आते हैं मुद्दे पे। ये तो हम लोगों ने समझा कि TCS क्या होता है, LRS क्या होता है, ठीक है ना। TCS LRS हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं कि जो चेंजेस वगैरह किए गए थे क्या क्या था, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसको चाहो आप लोग मतलब मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ूँ फिर हिंदी में बताऊँ, इससे बेहतर है कि मैं आपको हिंदी में ही सारी चीज़ें समझाते चलता हूँ। कंटेंट आपको इंग्लिश में ही PDF में मिलेगा, ठीक है ना। इस साल के बजट में
इन द बजट ऑफ दिस ईयर सर्टेन चेंजेस वेयर अनाउंस्ड टू द सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन एट द सोर्स ऑन पेमेंट्स अंडर द LRS एंड ऑन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज देयर वेयर टू टेक इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 2023. इट वॉज अनाउंस्ड इन मार्च दैट क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स वुड बी ब्रॉट अंडर द LRS. Numerous comments and suggestions were received which have been carefully considered. ठीक है ना, क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इस साल के बजट में LRS के तहत भुगतान और विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज पर TCS प्रणाली में कुछ बदलाव करने की घोषणा की गई थी. 1st of July 2023 से इसे प्रभावी होना था. इसके साथ साथ मार्च 2023 में ये भी घोषणा की गई थी कि क्रेडिट कार्ड भुगतान को भी LRS के तहत में ले आया जाएगा. ठीक है ना, मार्च 2023 में ये भी घोषणा की गई थी कि क्रेडिट कार्ड भुगतान को, क्रेडिट कार्ड पेमेंट को LRS के अंतर्गत, LRS के अंडर ले आया जाएगा. ठीक है, और इन सब पर जो भी ये घोषणा की गई थी, इन पर बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे सजेशंस प्राप्त हुए, जिस पर विचार करने के बाद में कुछ निर्णय लिए गए. क्या क्या निर्णय लिए गए उसको भी हम लोग जानते हैं. इन देखो इसमें क्या लिखा गया, अगला पॉइंट जो लिखा गया, इन रिस्पॉन्स टू कमेंट्स एंड सजेशन इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू मेक सुटेबल चेंजेस. फर्स्टली इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट देयर विल बी नो चेंजेस इन द रेट ऑफ द TCS फॉर ऑल पर्पसेज अंडर LRS एंड फॉर ओवरसीज ट्रेवल टूर पैकेजेस रिगार्डलेस ऑफ मोड ऑफ पेमेंट फॉर अमाउंट्स अप टू ₹7 lakh पर इंडिविजुअल पर एनम. ये चीज़ मैंने पहले सिनॉप्सिस में बताया था. इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड टू गिव मोर टाइम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिवाइज TCS रेट एंड फॉर इंक्लूजन ऑफ क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स इन LRS. ये भी आपको सिनॉप्सिस में बताया गया था. क्या बोला गया है इसमें, सुनो आप. ठीक है ना, इसमें सुनो, LRS के तहत में सभी उद्देश्यों के लिए और विदेशी यात्रा टूर पैकेज के लिए भुगतान के तरीकों की परवाह किए बिना ₹7 lakh पर इंडिविजुअल पर एनम की राशि के लिए TCS रेट में कोई चेंज नहीं किया गया है. क्रेडिट कार्ड पेमेंट को LRS में लाने और रिवाइज TCS रेट इम्प्लीमेंटेशन के लिए और टाइम दिया जाएगा, ये इसमें बोला गया. आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें क्या बोला गया है. ठीक है ना, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो सब सेक्शन 1G ऑफ द सेक्शन 206C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स ऑन फॉरेन रेमिटेंस थ्रू द LRS एंड सेकेंड सेल ऑन ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम. Through the Finance Act 1923, the amendments were carried out in subsection of 1G of section 206C of the Act. क्या कह रहा है ये, समझो. अंग्रेजी तो बहुत पढ़ लिया, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा कि क्या राम कहानी हो गई. आसान करते हैं इसको, हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 206 के सब सेक्शन 1G में फॉरेन रेमिटेंस थ्रू LRS और सेल ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के TCS का प्रावधान मेंशन है, ये इसमें बोला गया है. ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना. लेकिन फिनेंस एक्ट 2023 के थ्रू सब सेक्शन 1G को अमेंड कर दिया गया और TCS, ठीक ना, इसमें ये क्या बोला गया, थ्रू द फिनेंस एक्ट 203 अमेंडमेंट्स वेयर कैरिड आउट इन सब सेक्शन 1G ऑफ सेक्शन 206 ऑफ द एक्ट. यानी कि फिनेंस एक्ट 2023 फिनेंस एक्ट 2023 के तहत में ये जो हमारा 1G था, 206 एक्ट का सब सेक्शन 1G था, इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया. अमेंडमेंट करने के बाद में चीज़ें क्या हो गई हैं, दीज अमेंडमेंट्स इंटरालिया इंक्रीज्ड द रेट ऑफ द TCS फ्रॉम 5% to 20% फॉर द रेमिटेंस अंडर LRS एज वेल एज फॉर पर्पज ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज एंड रिमूव द थ्रेशोल्ड ऑफ ₹7 lakh फॉर ट्रिगरिंग द TCS ऑन LRS. ठीक है ना, ठीक है. क्या बोला गया है इसमें, फिनेंस एक्ट 2023 के थ्रू सब सेक्शन 1G को अमेंड कर दिया गया और TCS रेट को 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया, ये चीज भी याद रखना. ठीक है ना, साथ ही साथ में LRS या TCS ट्रिगर करने के लिए LRS पर TCS को ट्रिगर, LRS और TCS का मतलब आप लोग वही समझना, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम और ये जो हमारा होता है कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये बार बार मैं फुला पूरा नाम नहीं भूलूंगा, आप लोग समझना. ठीक है ना, फिर से सुनो आप लोग, फिनेंस एक्ट 2023 के थ्रू सब सेक्शन 1G को अमेंड कर दिया गया, साथ ही साथ में TCS रेट को 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया और इसके साथ में LRS पर TCS ट्रिगर करने के लिए ₹7 lakh की सीमा को भी हटा दिया गया. 1 जुलाई 2023 से ये संशोधन प्रभावी हो गया है. ठीक है ना, और इसमें देखो अगला पॉइंट क्या लिखा गया, दीज टू चेंजेस वेयर नॉट अप्लीकेबल व्हेन द रेमिटेंसेज
when the remittance is for educational or medical purpose, these amendments were to take effect from 1st of July. 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो गया, लेकिन लेकिन अगर रेमिटेंस एजुकेशन और मेडिकल पर्पज़ के लिए होगी तो ये चेंजेस प्रभावी नहीं होगा। इसमें ये बोला गया एजुकेशन और मेडिकल पर्पज़ के लिए रेमिटेंस होगी तो ये चेंजेस प्रभावी नहीं होगा, ये इसमें बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को और समझते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को और समझते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स 16th मई 2023 ई गैजेट नोटिफिकेशन विच ब्रॉड क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस अंडर LRS। दिस इम्प्लाइज दैट द ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वाइल ओवरसीज वुड नॉट बी काउंटेड एट LRS एंड हैंस वुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू TCS। ठीक है, जो कुछ भी लिखा गया है इसको मैं हिंदी में एक एक करके आपको समझाता हूँ, आप लोग समझना। गवर्नमेंट ने 16 मई 2023 को प्रकाशित अपने ई गैजेट नोटिफिकेशन को पोस्टपोन करने का फैसला लिया, जिसमें ये बोला गया था कि क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस को LRS के तहत में लाया जाएगा। LRS के तहत पहले 7 लाख रुपये के रेमिटेंस पर कोई TCS नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये देखिए अगला पॉइंट जो भी लिखा गया है, सब कुछ इसमें लिखा गया है, आप लोग इसको केवल और केवल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लो या नोट्स का नोट्स बनाते हो तो नोट डाउन कर लो, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि करके समझो आप। LRS के तहत में पहले 7 लाख रुपए के रेमिटेंस पर कोई TCS नहीं लगेगा और 7 लाख रुपए के बाद में 0.05 एजुकेशन लोन पर, 5% मेडिकल ट्रीटमेंट पर और नॉर्मल एजुकेशन रेमिटेंस के लिए लगेगा और बाकी सब पर 20% TCS लगेगा, इसमें ये लिखा गया है। Therefore, the first rupee 7 lakh remittance under LRS shall be no TCS. Beyond the rupee 7 lakh threshold, TCS shall be 0.5% for remittance for education financed by the education loan, 5% for remittance for education or medical treatment and 20% for others. यही चीज़ें जो लिखी गई इसलिए आपको बताई गई, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको बताई गई। इसके बाद में एक बार मैं कंटेंट आप लोगों को पूरा का पूरा दिखाता हूँ, ये देखो इसका पूरा एक टेबल के फॉर्मेट में भी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएंगी, तो ये चीज़ें आप लोग वहाँ पर पढ़ना एक बार। मेरी तरफ से ये चीज़ें खत्म हो रही हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में मैंने बताया, ठीक है ना। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 7 लाख तक 5% और उसके बाद की राशि पर 20% का TCS लगेगा और ये बात पर इंडिविजुअल पर एनम की हो रही है, इसमें ये लिखा गया है। फॉर द पर्पज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज टूर प्रोग्राम पैकेज अंडर द क्लॉज सेकंड ऑफ द सबसेक्शन ऑफ फर्स्ट जी द TCS शैल कंटिन्यू टू अप्लाई द रेट ऑफ 5% फॉर द फर्स्ट 7 लाख रुपीज पर इंडिविजुअल पर एनम। 20% रेट वुड अप्लाई फॉर द एक्सपेंडिचर अबव द 7 लाख रुपये, यानी कि 7 लाख रुपये से ज़्यादा होता है तो 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, 7 लाख TCS लगेगा और 7 लाख से कम होता है तो 5% का लगेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, बहुत सारी चीज़ें और यहाँ पर दी गई, मैंने आपको दिखाया, एक बार आप लोग उसको पढ़ना। टेबल फॉर्मेट में भी ये पूरा का पूरा कंटेंट देखो आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। टेबलर फॉर्मेट में भी टेबल बनाकर ये आपको और आसान किया गया है कि चीज़ें आपसे आपको समझ में आएँ, ठीक। इसका कंटेंट क्या है, कंटेंट भी मैंने PIB से उठाया है, जिसकी भी डिटेल यहाँ पर दी गई, इसका लिंक PDF में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। तो मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम रिलेटेड चीज़ें आपको आपको बताई गई और यहाँ से एक नया क्वेश्चन आप लोगों को देखने को एग्जाम में मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट इंडियाज डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज हाउ मच अमाउंट हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। भारत में निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोत के विकास में तेजी लाने के लिए विश्व बैंक ने हाल ही में कितनी राशि प्रदान की है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, 1.5 बिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1.5 बिलियन USD, ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब क्षेत्र में काम किया जाएगा इसके तहत में 2030, ये टाइम याद रखो और ये 500 गीगावाट याद रखो, ठीक है ना, ये दो चीज़ आप लोग याद रखो। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को अचीव करने के लिए काम किया जा रहा है, इसके तहत में काम किया जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग और ऐड कर देते हैं, वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश को रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए 200 मिलियन यूएसडी का लोन दिया है। कितने का लोन दिया है, वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए 200 मिलियन यूएसडी का लोन दिया है। वर्ल्ड बैंक की बात हो रही थी इसलिए मैंने हिमाचल वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिया। और ये जो 200 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया है ये 14.5 साल के लिए लोन दिया गया है,
साढ़े चार साल का इसमें 4.5 ईयर्स का इसमें ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। हिमाचल प्रदेश का टारगेट है कि 2030 तक ग्रीन स्टेट बन जाए और उसी को ध्यान में रखते हुए सारा काम यहाँ पर किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हुई है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अजय बंगा इसके क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अजय बंगा कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं ये आप लोग कमेंट कर फटाफट बता दो, ठीक ना। और एक क्वेश्चन आप लोगों से और मैं पूछूंगा कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा उसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं ये भी आप लोग कमेंट कर मुझे बताओगे। अगले क्वेश्चन पर मैं बढ़ता हूँ। इन ऑर्डर टू कम्यूमरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी सिस्टम सिक्स्थ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे हैज़ रिसेंटली बीन ऑब्जर्व ऑन विच डेट। जीएसटी प्रणाली के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में छठा वस्तु एवं सेवा कर दिवस हाल ही में किस तारीख को मनाया गया है इसमें पूछा गया है, यानी कि सिक्स्थ जीएसटी डे किस तारीख को मनाया गया है ये इसमें पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2023, छठा था ये, सिक्स्थ एडिशन था। तो पहला कब रहा होगा बता के देख लेना, 1 जुलाई 2017 याद कर लो आप लोग, 1 जुलाई 2017 याद कर लो। क्यों याद कर लो, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, 1 जुलाई 2018 को पहला जीएसटी डे सेलिब्रेट किया गया था और इस बार छठवां जीएसटी डे जो है वो 1 जुलाई 2023 को सेलिब्रेट किया गया। हर साल 1 जुलाई को जीएसटी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 2018 से, क्यों किया जा रहा है ये क्वेश्चन में बता दिया गया है, ठीक है ना। और थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं। केलकर टास्क फोर्स, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर केलकर टास्क फोर्स, ठीक है ना। केलकर टास्क फोर्स क्या है, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा सन 2000 में जीएसटी का आइडिया दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशंस बिल में 2014 में 122वां संशोधन करके जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी। इसके डीप पे नहीं जाएंगे कि सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है। और अब बात कर लेते हैं कि जून 2023 में जीएसटी कलेक्शन कितना रहा, लास्ट टू लास्ट ईयर जीएसटी कलेक्शन पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ था, कितना परसेंट जीएसटी कलेक्ट हुआ था। तो जून 2023 की अगर हम लोग बात करें तो जून 2023 में 1,61,497 करोड़ रुपीस का जीएसटी कलेक्शन हुआ जून 2023 में। जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है, तो करंट फिनेंस मिनिस्टर, जो वर्तमान का फिनेंस मिनिस्टर होता है, वर्तमान में फिनेंस मिनिस्टर होगा वही जो होता है जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होता है। वर्तमान में फिनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन जी वर्तमान में फिनेंस मिनिस्टर हैं, तो यही जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन हो जाएंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। द फिनेंस मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली हाइक्ड इंटरेस्ट रेट ऑन सेलेक्टेड स्मॉल सेविंग्स स्कीम फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द फिनेंशियल ईयर 24, यानी कि 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक के लिए फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा स्मॉल सेविंग स्कीम्स में चेंजेस किए गए हैं, रेट में चेंजेस किए गए हैं। व्हाट इज द रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट ऑन 2 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही यानी कि 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 के लिए चयनित छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। 2 साल की डाकघर सावधि जमा पर संशोधित ब्याज दर क्या है ये इसमें पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7% इसका आंसर होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस से रिलेटेड ये न्यूज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनेगी, क्योंकि ये जो रेट चेंज हुआ है ये 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक के लिए है और इस बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फिर अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनता है। इसके नोट्स वगैरह आप लोग बना लेना, ये अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा और हो सकता है कि यहाँ से एक नया क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले। क्या क्या इंटरेस्ट रेट में चेंजेस हुआ, क्या क्या रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट है उसको हम लोग जानते हैं। 5 ईयर RD की अगर हम लोग बात करें, 5 साल के RD की अगर हम लोग बात करें, तो इस पे 30 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ है और ये अब 6.2% से बढ़ाकर 6.5% हो गया, तो आपको याद करना है 6.5% पहली। दूसरे पे अगर हम लोग बात करें, थ्री ईयर टर्म डिपॉजिट की बात करें, इस पर इंटरेस्ट रेट 7% का है।
फाइव ईयर टर्म डिपॉजिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस पर इंटरेस्ट 7.5% का है। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ ये इंपॉर्टेंट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड इस पर इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.1% का है। नो चेंजेज, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट पर, सेविंग डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट 4% का है। एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.7% का है, यानी कि 7.7% का है, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि स्कीम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस पर इंटरेस्ट रेट 8% का है, कोई चेंज इसमें नहीं किया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो 8.2% इंटरेस्ट रेट है, कोई चेंज नहीं किया गया है। केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस पर इंटरेस्ट रेट 7.5% का है। किसान विकास पत्र की मेच्योरिटी टाइम क्या है, 115 मंथ। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, आरबीआई का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसमें पूछा गया था कि किसान विकास पत्र की मेच्योरिटी टाइम क्या है। तो मेच्योरिटी टाइम अगर अभी आप लोग पढ़ते हुए चला करो, इसका मेच्योरिटी टाइम जो है, मेच्योरिटी पीरियड जो है 115 महीने का है। मंथली इनकम स्कीम्स पर हम लोग बात करेंगे तो 7.4% का इंटरेस्ट रेट इस पर है। फर्स्ट ईयर यानी कि वन ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 6.9% का इंटरेस्ट रेट है, पहले ही इंटरेस्ट रेट 6.8% का था, बढ़ा दिया गया है। टू ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इंटरेस्ट रेट इस पर 7% का है, पहले इस पर इंटरेस्ट रेट 6.9% का हुआ करता था, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सब कुछ आपको पीडीएफ में मिलेगा, नोट्स वगैरह आप लोग इसके बनाते हुए चलना, ठीक है ना। स्मॉल सेविंग स्कीम्स के रेट की अगर हम लोग बात करें तो इसका रिवाइज कब कब इसको रिवाइज किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वार्टरली बेसिस पर, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पर भारत सरकार के द्वारा स्मॉल सेविंग स्कीम्स के रेट जो है वो रिवाइज किए जाते हैं। बात कर लेते हैं श्यामला गोपीनाथ के बारे में। श्यामला गोपीनाथ कमेटी के द्वारा जून 2023 में स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला दिया गया था। कमेटी ने ये सुझाव दिया था कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट सिमिलर मेच्योरिटी वाले गवर्नमेंट बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट की तुलना में 25 से 100 BPS बेसिस पॉइंट्स तक ज़्यादा होने चाहिए, ठीक। श्यामला गोपीनाथ को आप लोग याद रखना है कि कमेटी को भी याद रखना, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल इस क्वेश्चन से संबंधित भी चीज़ें आपको बताई गई, यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। एक से लेके 3 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।